Everyone, my name is Suyesh Negi, and this year I got a 493 in my NEET exam, and I have been allotted IGMC Shimla. So first of all, I would like to thank respected DN sir and all the teachers for biology Priyanka ma'am, Kiran ma'am, and for chemistry Amit sir, and for physics Tiwari sir. So first of all, I would like to share my experience about studying 1 year here. तो सबसे पहले यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है. जो हमारे डीएन सर हैं वो बार बार बीच बीच में हमें मोटिवेट करने आते रहते थे, तो उससे काफ़ी बूस्टअप मिलता है. एंड यहाँ की जो स्टडी मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छी है, मतलब बेसिक है और नीट एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है. सो अपने आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए ये बोलना चाहूँगा कि अल्टीमेटली जो लास्ट में होता है वो हार्डवर्क ही पे ऑफ करेगा. तो सब्जेक्ट वाइज अगर बोलें तो बायोलॉजी में जैसे एनसीईआरटी आपके लिए इनफ है. अगर 300 मार्क्स तो एनसीईआरटी से आ जाएंगे आपके. और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा करना है फिर यहाँ के स्टडी मटेरियल कर सकते हैं. और फिर थोड़ा 10-20 नंबर ऐसे होंगे जो आपको मतलब सोचने पे मजबूर कर देंगे, पर हो गए एनसीईआरटी से. अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो फिजिकल के लिए तो यहाँ पे जो अमित सर नोट्स बनवाते हैं वो एनफ है. उसी को ही अगर आप 3-4 बार कर लो और अगर क्लास में ढंग से प्रॉपरली अटेंशन से सुनो और नोट्स बनाओ तो वही एनफ है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए. एंड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे नोट्स तो है ही हमारे, पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन होगा जैसे हम बायो के लिए बोलते हैं एनसीईआरटी आपकी बाइबल, वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी. प्लस अगर आपको कुछ एनसीईआरटी से बाहर जाना है तो उसी से रिलेटेड किसी और बुक से पढ़ सकते हैं. और ऑर्गेनिक के लिए सारी जो नेम रिएक्शंस हैं उसको आप जैसे एक पेज में लिख सकते हैं, और सारी जैसे जो भी नेम रिएक्शन या जो भी रिएक्शन एनसीईआरटी में उसके आपको जो भी मैकेनिज्म्स है वो सारे आने चाहिए अच्छे से ऑन योर टिप्स. और फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस इज द की, जितनी करेंगे उतनी कम होगी प्रैक्टिस. तो जैसे आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया फिर उसके बाद आप उसके फॉर्मूले लिख लिए कॉपी में, फॉर्मूले लिख लेंगे फिर उसके बाद जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद बस फॉर्मूले देखना, पूरे चैप्टर दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. फॉर्मूले देख लिए और फिर अपने जितने सॉल्व करना है कर लिए. और अगर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में बोलें